हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर चंदन पहाड़ी एक नया ब्लॉग लेके ब्लॉग जो दोस्तों आज मैं अपने घर से अपने खेती बाड़ी से जो है चालू कर रहा हूँ। देखो, मैं लेके आया हूँ, अपने हाथ में देख रहे हो, मेरे हाथ में देख रहे हो जैसे कि लहसुन। मैं लहसुन साफ़ कर रहा हूँ। ये हमारी मैडम जो है खेत में क्यारी बना रही है लहसुन लगाने के लिए, और कुछ घर का लहसुन था, कुछ मार्केट का लहसुन था, तो लहसुन लगा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ आज की लहसुन कैसे लगाते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में रहे तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे दोस्तों, और दिखाते हैं आपको लहसुन कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आ रहे हैं अंकल जी, हमारे पड़ोसी। तो ये पूछा मैंने, नमस्ते, इनका हाल चाल पूछा। तो कह रहे, बेटा आज मैं आजकल मेरा हाल बहुत ख़राब है, डेंगू हो रहा है। तुम्हारे चाची को भी, चाचा को भी डेंगू हो रहा है, क्योंकि जैसे जानते हो कि आजकल जो है बीमारियों का बहुत हाल ख़राब हो रहे हैं। हर जगह जो है डेंगू का कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है। तो मैंने पूछा, हाल चाल कैसे हैं? मेरे कह रहे अंकल जी, बोल रहे हैं बेटा हाल चाल तो ख़राब ही है। तुम्हारी चाची को जो है ज़रा हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए, हॉस्पिटल दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक से अपना केयर करें। तो दोस्तों, अब थोड़ी बहुत लहसुन लगाने के लिए मैं खेत बना रहा हूँ। मैं भी और मेरे मैडम भी खेत पर लगे हुए हैं। गांव की घरों की ज़िंदगी ऐसी है दोस्तों, कभी लहसुन लगाओ, कभी खेतों में रोपाई लगाओ, ऐसे चलते रहता है। तो आपको दिखाता हूँ लहसुन लगाते हुए। तो दोस्तों, ये लहसुन जो है, आप जो लहसुन की कली है ना, तो एक तोड़ के निकाले, तोड़ के निकालने के बाद जो है इनको एक एक फीट की दूरी में जो है डालते जाएं, ताकि जो है आगे अच्छी पैदावार होगी और इसकी गांठ भी ना बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने अपने दो तीन क्यारियों में जो है लहसुन लगा दिए हैं, और थोड़ा सा उसमें लाई हुई और थोड़ा पालक बोया लगाया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरा वीडियो, दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, क्या दिखा सकता हूँ, यही है रोज़ की गाँव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, घर में रह के खाली तो रहना नहीं पड़ता, क्योंकि गाँव में खेती है तो कभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।